उपचुनाव दो जगह होने हैं, जैसा आपको पता है, मोकामा और गोपालगंज जिले में। उन दोनों जगहों के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल उपलब्ध हैं। सभी जो हमारे पोलिंग बिल्डिंग हैं उस पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उसके अलावा जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी है, सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी में भी हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल रहेंगे। एरिया डोमिनेशन और जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए भी हमारे पास में पर्याप्त BMP और बाकी बल उपलब्ध हैं। जो हमारा रिजर्व, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, उसके लिए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और बाकी बाकी बलों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। कितनी AGP को टारगेट किया जा रहा है, उनका फेट प्रोफाइल बनाया जा रहा सेक्रेटरी है। के साथ क्या हुआ था सर, वो बता दीजिए। देखिए, जो भी घटनाएं आपने पूछी हैं उन सभी घटनाओं में सबसे पहले ये चीज़ है कि एक ठगी का प्रयास हुआ है, और ठगी का प्रयास जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर ठगी। अब साइबर की दुनिया आभासी दुनिया है। मैं आपके माध्यम से और आप सभी रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं उसके माध्यम से और प्रेस मीडिया के लोग भी शामिल हैं, मैं कुछ बातें ज़रूर रखना चाहूँगा कि ये आभासी दुनिया, ये वास्तविक दुनिया नहीं है। इसमें पर्दे के पीछे कौन आदमी आपको फ़ोन कर रहा है, उसने फ़ोटो किस आदमी का लगाया है और किस तरह से वो ठगी कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर पूरा जो है, इस पर पूरी तहकीकात करने के बाद ही किसी को अपना क्रेडेंशियल बताएं। क्रेडेंशियल अर्थात व्यक्तिगत जानकारी, अथवा जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर, पिन नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी, या किसी भी तरह का पासवर्ड, या पैन की जानकारी, या आधार नंबर की जानकारी। ये सब ऐसी सूचनाएं हैं जो आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, इसको भी किसी भी तरीके से इसको साझा ना करें। एक तो ये हो गई, और जैसा मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल क्राइम का आंकड़ा बढ़ता है। दूसरा जो साइबर क्राइम बढ़ता है वो है कि आपके साथ में आपकी निजी जानकारी के साथ में छेड़खानी। कोई आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसका फ़ोटो निकाल के किसी, उसके साथ में तंग करना, तबाह करना, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेजना, ये भी एक साइबर क्राइम का बढ़ता हुआ दायरा है। और तीसरा बढ़ता हुआ दायरा है जिसमें साइबर में धमकी दी जाती है, मतलब आप किसी भी तरह से किसी को भी कोई धमकी देते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम के विभिन्न आयाम हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आभासी दुनिया, वर्चुअल दुनिया, ये वास्तविक दुनिया नहीं है। और ये एक मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पृथ्वी लोक और मतलब तीन जो दुनिया, तीन जो लोक हैं उससे एक चौथी दुनिया है। ये एक साइबर लोक है, एक नई दुनिया है। उसमें आप जो बहुत ज़्यादा लोग विचरण करते हैं अगर साइबर लोक में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लास्ट में एक सलाह, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।